थोड़ा आगे है और जो पुरानी वाली में था वो थोड़ा मिडल में था। ऑडियंस को दिखा कि इसके अंदर फर्क क्या है। स्टॉक एग्जॉस्ट उतार चुके हैं सर पे टेपर। देख पा रहा यार, अंधेरा पड़ रहा साहिल ब्रो। गोरे यार तुम इतने आता तो मैं अच्छा जी। हम गोरे यार। हाँ गोरे तो हम तीन ही। क्यों भाई साहब सही कह रहे हैं ना, हम गोरे हैं ना तीनों। तो आज यार Xenoso BS6 की ना डिलीवरी है, तो उसके लिए ना हमारे पास एग्जॉस्ट कोई भी नहीं है, तो हमारे पास BS4 वाला एग्जॉस्ट पड़ा है, जो कि आज अजय हमें लगा के दिखाएगा। स्कॉर्पियन फुल सिस्टम। स्कॉर्पियन का फुल सिस्टम पड़ा है। कौन सा मॉडल है भाई? सर्किट टेपर। सर्किट टेपर। सर्किट टेपर। तुम दोनों तो बोल नहीं दोगे यार। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू SC यूनिट्स अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सभी के? हाल है अच्छे होंगे और अच्छे रहना। अब चलते हैं नीचे भाई। और राहुल कैसा है? अच्छा हूं मैं यार। सब बढ़िया यार। ये लेडीज वाली वो क्या पहन रखी है तूने? लेडीज वाली नहीं है, देख यार फूल बने हुए हैं पाजी। मैं इसके इसके ना तकरीबन एक पैर में दूसरी सॉक्स होती है, दूसरे पैर में दूसरी सॉक्स होती है। दिखाई भाई एक बार। ओ देख पैन भी ली इतनी जल्दी है। पैन क्या ली यार? बट वैसे रिकॉर्ड हो चुका, मैं दिखा दूंगा। कुछ भी नहीं यार। ये सवेरे गुरुद्वारे से लोग पब्लिसिटी के लिए क्या क्या करते हैं आज भाई। ये तो कच्चे भी फूल पत्तियों वाले पहनता होगा फिर। दिखा। तो भाई साहब ये खड़ी हमारी BS6 वाली बाइक, जिसकी आगे से हेडलाइट वगैरह सब कुछ चेंज है। और अब एक बार ही अजय स्टार्ट करके दिखा दे यार। ले भाई आवाज सुनाए ना। अभी तो हल्का मत जाएंगे ना, एग्जॉस्ट भी चेंज करना है भाई। हाँ नहीं तो तेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तैयारी हमारे यहाँ की पहली BS6 बाइक है, जिसमें हम BS4 का एग्जॉस्ट लगा रहे हैं। तो बाकी मेरे को अजय बताएगा इस पर लगेगा या नहीं लगेगा। बता भाई अजय। भाई बाकी बाहर तो लोगों ने यही कह रखा है कि BS4 वाला एग्जॉस्ट जो है BS6 में नहीं लगेगा। अच्छा, बट आज हम लगा रहे हैं, लगा क्या कोशिश ही कर रहे हैं लगाने की। ठीक है, होप सो लग ही जाएगा एग्जॉस्ट, क्योंकि मैंने देख लिया है सारी फिटिंग्स वगैरह सेम ही है। और मेरा फोन भी आ गया, एक सेकंड बस। हाँ चेक कर। हाँ, अब बता बोल, अभी बात कर फोन बात। तो सारी फिटिंग्स वगैरह सेम ही है, पाइप्स वगैरह सब सेम ही है, बट फिर भी बाहर लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं लगेगा, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं लगाने की। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। देखो बाकी बाकी इसके ऑटो सेंसर में थोड़ा फर्क है, जो नई वाले में है वो थोड़ा आगे है और जो पुरानी वाली में था वो थोड़ा मिडल में था। हाँ, है ना? हाँ। निकाल दे भाई अजय, इसको निकाल दे एक बार, ऑटो सेंसर दिखा दे। हाँ दिखा, ऑडियंस को दिखा कि इसके अंदर फर्क क्या है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना पहले आता था इस साइड पे, मिडल के आसपास आता था, मिडल में आता था, मिडल में आता था, तो अब इन्होंने थोड़ा आगे कर दिया, तो इसकी भी थोड़ी एडजस्टमेंट चेंज हो गई है। बट वैसे तार यहाँ से खुल के आ जाएगी, है ना, उस वाले में आ जाएगी। जो अभी हम एग्जॉस्ट लगा रहे हैं उसका ऑटो सेंसर मिडल में ही है, बट जो BS6 के लिए हेडर्स आएंगे उसका ऑटो सेंसर आगे लगेगा। अभी हम स्टॉक एग्जॉस्ट उतार चुके हैं, ये काफी भारी है, और अब जो लगाएंगे वो लाइट वेट भी होगा। और आवाज सुन लो उसकी, आवाज कैसी आएगी भाई? आवाज बहुत अच्छी आएगी। चलो लगाते हैं हम दूसरा। हाँ ऐसी आवाज निकाला करा तू बाइक में से। हाँ भाई ऐसी आवाज आएगी इसमें से। भाई एग्जॉस्ट तो दिखा दे। सर्किट टेपर। कौन सा? सर पे टेपर। सर पे टेपर। तो इस एग्जॉस्ट का नाम है सर्किट टेपर। काफी लाइट वेट है और हेडर भी आ गए हैं इसके। वेट कितना इसमें डिक्रीज हुआ होगा? 9 से 10 किलो। 9 से 10 किलो पक्का? हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस भी तो बढ़ेगी अभी। हाँ अजय, ये तू क्या लगा रहा भाई? ये भाई रस्ट ऑफ लगा रहा हूँ, ताकि ये जो है इसके होल्स के अंदर प्यार से चला जाए। अच्छा, पुराना एग्जॉस्ट है ना भाई, लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत रस्ट ऑफ। भाई तेरे को और कोई काम नहीं है, मेरे ट्राइपॉड लेके क्या कर रहा तू? भाई देख, ये देख छोटा टेबल,
टूट जाएगा भाई, लाते इधर दे, ज्यादा दिक्कत हो ऐसे करके बैठना। हाँ, फिर इस पे बीच में कुछ और भी लगा लिया है ना, तो जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट था उसमें ऑटो सेंसर यहाँ आता है राइट। हाँ, तो यहाँ पे है भाई, अब मिडल में आ रहा है, मिडल में आ गया, चल लगा दे भाई। बस यही फर्क है पुरानी वाली में और नई वाली में, प्रॉपर फिटिंग सारी आ चुकी है। डन हो गया ना भाई सारा? डन हो गया भाई, बस लोअर फेयरिंग लगानी है अपने को। चलो लगा दे और फिर यहाँ का काम खत्म, फिर हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। फ्लेम भी निकलेंगे भाई? बिल्कुल निकलेंगे भाई। चल ठीक है, अभी थोड़ी सी कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद हम रेव करके दिखाएंगे। ओके, तो अभी जो इसका टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, 55 या 60 तक आता है ना भाई, फिर उसके बाद हम रेव कर सकते हैं। 60 पे आएगा जब हम रेव करेंगे। ठीक है, चल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अभी 41 हो गया, तो भाई साहब 60 से 61 भी हो गया है, फटाफट अब फटाफट से रेव करके दिखा दे भाई। यस, अब भूख भी लग रही है, अब खाना खाने चले, अब खाना खाने चलते हैं यार, बहुत मेहनत कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है। भाई साहब इस लड़के ने ना मेरे को दुखी कर रखा है, ये एक बारी में ना काम नहीं करके देता भाई, कर दे यार आज वेल्डिंग कर दे सिलेंडर। कर रहा हूँ बस, खोल ले दो। चल खोल ले खोल ले। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि यहाँ सिलेंडर का पाइप टूट चुका है, तो आज वो हम वही वेल्डिंग कराने गए हैं, और प्रेम भाई वहाँ पर थोड़े बहुत बिजी दिख रहे हैं आज। करो करो आप कैरी ऑन करो, हम भी इधर कैरी ऑन करते हैं। सॉरी, लगी तो नहीं भाई आँख में, तो नहीं मार दी उंगली? ये देखो यहाँ से टूटा हुआ था, अब पक्का वेल्डिंग कर देगा ना वो, पक्का। बैटरी की तार तो नहीं खोलनी पड़ेगी? नहीं नहीं, चल कर दे। कौन सी वेल्डिंग करेगा, इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक, चल मार दे। मैं उधर देख रहा हूँ, सिलेंडर के 2 बोल्ट अंदर की साइड होते हैं, तो उसके लिए स्कूटी लटाई गई है, बाकी 1 बोल्ट और खोलना है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? इसके वो जो 2 बोल्ट खोलने तक खुल गए, अभी आखिरी वाला रहता है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं भी शायद ये ढीला था इस चक्कर में टूट गया है ना भाई। चलो खोलो, लगे पड़े हम। कैसे बिना सिलेंडर के कितनी अच्छी लग रही है, और ब्रेमो की ब्रेक देखो लगी हुई, क्या कहता है बिना सिलेंडर के चला ले? चलान कट जाएगा, चलान तो कटेगा भाई, तो लगा ही दे वास्तु, लगा दे लगा दे। और यहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है, लगा दो भाई, लगाओ फटाफट लगा दे भाई। सारा काम हो गया, पक्का ले जाओ स्कूटी, दोबारा तो नहीं टूटेगी। चल फिर बाय बाय, पैसे देने नहीं देने? कितने देने हैं भैया से पूछो? भैया पैसे बता दो यार। 1,05,000 मैं दे ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, चलो बाय। A few moments later. तो हम जस्ट अभी निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, आज थोड़ा वर्कलोड वगैरह थोड़ा ज़्यादा था, जैसे कि आपको दिखाया कि आज जिन मौसम में एग्जॉस्ट वगैरह लगाया, और जब मैं वेल्डिंग कराने के बाद आया था तो उसके बाद 2-3 बाइकें इकट्ठी आ गई थी, जिन पे मेरे को जीवी वगैरह का सामान भी लगाना था, तो वो भी थोड़ा सामान वगैरह लगाया और लेट हो गए हम, और 8 बज चुके हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और फटाफट 1,00,000 कराओ यार, क्या कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी करा दो यार, करा दो यार, करा दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ प्लीज़ करा दो प्लीज़। चलो बाय बाय।